हेलो एवरीवन, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की अगर आपको एक गुप्त इशारे करे तो वो आपसे सेट होना चाहती है या वो आपको प्यार करने लगी है। क्योंकि दोस्तों देखो, लड़कियों का ये नेचर होता है कि जब तक लड़की खुद ना बताए या अपनी फीलिंग्स ना बयां करे, ठीक है, तब तक आप उसकी मन की बात नहीं जान सकते हो, ठीक है, कि वो आपको लेकर क्या फील करती है, क्या चाहती है, ठीक है। और ऐसे में अगर कोई लड़की किसी को प्यार करने लगती है या वो किसी को पसंद करने लगती है, तो ऐसे में ना वो उस लड़की को कुछ ऐसे गुप्त इशारे करती है जिसकी वजह से लड़का समझ सके कि लड़की आपको प्यार करने लगी है। तो आज की इस वीडियो में आपको लड़कियों के ऐसे ही गुप्त इशारों के बारे में बताने वाली हूँ जो लड़की उसी लड़कों को करेगी जिससे वो प्यार करने लगी है, जिससे वो सेट होना चाहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि आपको देखकर घबरा जाना। दोस्तों, जब किसी लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स होंगी या भावनाएं होंगी ना, तो वो आपको देख के एकदम से नर्वस हो जाएगी, अनकंफर्टेबल फील करने लगी अचानक से जब आप उसके सामने आओगे, ठीक है, या उसे देखोगे, तो एकदम से उसका चौंक जाना या इस तरह से रिएक्ट करना कि अचानक से क्या हो गया, ठीक है। ऐसा अगर रिएक्शन वो देती है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार हैं, ठीक है। ये उसकी तरफ से एक साइन होता है, एक गुप्त इशारा होता है जो लड़की उसी लड़के को देती है जिससे वो प्यार करती है या जिसके लिए उसके दिल में फीलिंग्स होती हैं। अगला जो पॉइंट है कि लड़के के लिए अपने लड़के के सामने बेस्ट लुक में आना। दोस्तों देखो, वैसे तो नॉर्मली हर कोई अपने लुक पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आप जब घर में रहते हो तो नॉर्मली ऐसे ही कपड़े पहनते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। पर अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स होती हैं या प्यार होता है, तो या आप किसी से प्यार करने लगते हो, तो आप यही सोचते हो ना कि जब आप उसके सामने जाओ तो आप अच्छे से अच्छे लुक में दिखो, मतलब कि अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हो कि आप अच्छे लगने चाहिए हो, ठीक है। तो ठीक ऐसा ही लड़कियों के साथ भी होता है कि जब लड़की प्यार करने लगती है, किसी से उसे प्यार हो जाता है, तो वो उस लड़के के सामने जब आती है तो अपना बेस्ट लुक लेकर आती है, ठीक है, अच्छे से, मतलब कि पहले के अकॉर्डिंग वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखने की कोशिश करती है, अट्रैक्टिव लगने की कोशिश करती है, जिससे वो आपको ये बता सके कि वो आपको पसंद करने लगी है, ठीक है, आपको चाहने लगी है। तो ये उसकी तरफ से एक साइन होता है जिसे आपको समझना चाहिए। अगला पॉइंट है कि लिमिट से बाहर आपकी केयर करना। दोस्तों, जब किसी लड़की को किसी लड़के के लिए प्यार हो जाता है या वो उसे पसंद करने लगती है, तो वो उस लड़के के दुख और दर्द, उसकी परेशानियों को अपना समझने लगती है, ठीक है, उसकी परेशानियों में खुद परेशान होने लगती है, ठीक है, अपसेट हो जाती है। अगर वो लड़का परेशान होता है, अपसेट होता है, तो उसे इनक्रेज करते हैं या उसे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उस परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ऐसा अगर वो कर रही है या आपको लगता है कि हाँ, कोई लड़की अचानक से आपकी केयर करने लगी है, ठीक है, आपकी ज़रूरत का ध्यान रखती है या आपके दुख और दर्द को ज़्यादा फील करने लगी है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि उसके दिल में आपके लिए कुछ कुछ हो रहा है या वो आपको पसंद करने लगी है। अगला पॉइंट है कि जब आप उस लड़की को देखो, ठीक है, तो उसकी नज़रों का झुक जाना, ठीक है, तो ये एक साइन होता है कि वो आपको पसंद करने लगती है। क्योंकि आंखें जो हैं इंसान के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान आपसे गुस्सा होता है तो आप उसकी आंखों को देखकर समझ सकते हो कि उसे गुस्सा आ रहा है या वो आपसे मिलकर खुश हुआ है, ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि लड़की आपको प्यार करने लगी है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है कि आपकी हॉबीज़ में इंटरेस्ट दिखाना, लाइक अगर आपको क्रिकेटिंग पसंद है या वॉलीबॉल खेलना पसंद है, डांसिंग पसंद है, तो अगर उस लड़की का इंटरेस्ट भी ऐसी चीज़ों में आ रहा है, ठीक है, आपकी हॉबीज़ को वो पसंद करने लगी है, तो आप समझ सकते हो कि वो आपको प्यार करने लगी है, उसका इंटरेस्ट आपकी तरफ है, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो अगर कोई लड़की आपको एक गुप्त इशारे करते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो आपसे सेट होना चाहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।